लंबी है। यहाँ पे महिमा एक लड़की का नाम है।
वह लंबा होना वो एक गुण है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि महिमा और वह संज्ञा और सर्वनाम के लिए यहाँ पे लंबी है वो विशेषण यूज किया गया। तीसरा हम देखते हैं वैसा ही है, नायिका एक लड़की का नाम है, नायिका मोटी है, उसके लिए सर्वनाम यूज हुआ है वह मोटी है जो सर्वनाम के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता दर्शाने वाला शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिस चीज के बारे में मतलब संज्ञा के साथ या सर्वनाम उसे हम क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। मतलब सर्वनाम या संज्ञा जिसके बारे में विशेषता दर्शाई गई है वो जो शब्द है वो क्या होगा, विशेष्य कहलाया जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में बुद्धिमान लंबी और मोटी शब्द विशेषण है जो मैंने आपको बताया। ये शब्द क्रमशः सुरेश, वह, महिमा, नायिका जैसे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार सुरेश, महिमा और नायिका विशेष्य हुए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं जो हमने देखा है। हम सर्वनाम के अध्याय में यह पहले ही जान चुके हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम में कोई तात्विक भेद नहीं है। हमने आगे देखा है सर्वनाम के चैप्टर में देखा कि सर्वनाम वो संज्ञा के बदले यूज होने वाला शब्द है, प्रयोग होने वाला शब्द है, इसीलिए संज्ञा और सर्वनाम में कोई ज्यादा भेद नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा के बदले ही यूज होता है। वास्तव में सर्वनाम संज्ञा को ही अभिव्यक्त करता है। हमने देखा है कि जब हम संज्ञा को बार बार यूज नहीं करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए ये दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के कुछ भेद है और वो भेद कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगी। विशेषण की परिभाषा में आपने पढ़ा है विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं। अब विशेषता मैंने आगे भी बोला कि सिर्फ गुण ही हम विशेषता में कहने लगे, जो संख्या है वो भी। जैसे मैं बोलूं पेड़ पे सफेद कबूतर बैठा है, सफेद को कबूतर का गुण हुआ, ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि पेड़ पे पांच कबूतर बैठे हुए हैं तो पांच वो भी क्या हुआ, विशेषता दर्शाता है। तो यहाँ पे विशेषण उसी तरह से भेद में डिवाइड हुए हैं। इसके आधार पर हिंदी भाषा में विशेषण के निम्नलिखित चार भेद होते हैं और उसी के आधार पर विशेषण के चार भेद किए गए हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये चार जो भेद हैं वो विशेषण के भेद हैं। सबसे पहला हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उसके नाम में से ही हमें पता चलता है कि गुणवाचक विशेषण क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दर्शाने वाला विशेषण होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, कुछ सेंटेंस है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और उसमें कौन से विशेषण यूज हुए हैं वो हम देखेंगे। पहले वाक्य है मजदूर गरीब था। यहाँ पे मजदूर क्या है, संज्ञा है, और गरीब वो उसकी विशेषता है। जो गरीब है वो क्या दर्शाता है, हमें विशेषण दर्शाता है। दूसरा सेंटेंस है वाटिका में लाल गुलाब है। वाटिका मतलब ऊपर या बाहर, वो क्या हुआ, संज्ञा हुआ, और लाल गुलाब है, गुलाब भी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि वो फूल का नाम है। और लाल गुलाब कई रंगों के होते हैं लेकिन यहाँ पे जो गुलाब की बात की है वो कौन सा है, लाल कलर के गुलाब की बात की है। तो जो लाल शब्द है वो गुलाब की क्या दर्शा रहा है, विशेषता दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पे लाल शब्द को विशेषण हुआ। तीसरा सेंटेंस है विद्यालय की इमारत ऊंची है। ये जो वाक्य है उसमें विद्यालय और दूसरा है इमारत, ये दोनों शब्द हमें संज्ञा दर्शाते हैं। और ऊंची, ऊंची को क्या है, इमारत की विशेषता है, इसीलिए ये विशेषण हुआ। चौथा वाक्य है पिताजी आज तो आप मीठे आम लाए हैं। यहाँ पे आम संज्ञा है और उसके लिए जो विशेषण है उसकी
दुर्बल शब्द जो है वो विशेषण दर्शक शब्द हुआ। यहाँ पे गरीब शब्द मजदूरी की अवस्था बता रहा है, लाल गुलाब के रंग रूप संबंधी विशेषता दर्शा रहा है, ऊंचे शब्द इमारत का आकार दर्शा रहा है, और मीठा शब्द स्वाद बता रहा है, और लास्ट सेंटेंस में दुर्बल जो आदि की अवस्था में दर्शा रहा है। ये जो पांचों सेंटेंस हमने देखे वो पांचों सेंटेंस हमें हर एक संज्ञा का अलग अलग रूप दर्शा रहा है, उसकी विशेषता दर्शा रहा है। जैसे गरीबी एक अवस्था है, गुलाब लाल रंग वो उसके रूप दर्शा रहा है, वैसे ही मीठा वो आम का स्वाद बता रहा है। तो ये जो रंगीन शब्द है वो हमें क्या दर्शाते हैं, अलग अलग गुणों का बोध करवाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के अलग अलग गुणों का बोध करवाते हैं, और इन्हीं को हम क्या करेंगे, गुणवाचक विशेषण करेंगे। मतलब क्या हुआ, जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध करवाते हैं, गुणरूपी विशेषताओं का बोध करवाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक सर्वनाम विशेषण बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों, अब गुण में रूप रंग आकार प्रकार दशा अवस्था स्वाद गंध स्थिति स्थान ये सभी आ जाते हैं, का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये जो गुणवाचक विशेषण है वो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, उसमें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से गुणवाचक विशेषण देखे जाते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है रूप रंग, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कोई भी वस्तु का रूप रंग होता है और उसकी जो विशेषता दर्शाता है। जैसे हम रूप रंग की बात करें तो काला हरा सफेद मैले चमकीली ये सारे जो वर्ड है वो क्या है, रूप रंग दर्शा सकते हैं। जैसे रंग में हमने देखा काला और हरा और उसका रूप चमकीला या मैला, ये जो शब्द है वो क्या दर्शाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का रूप दर्शाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है आकार और प्रकार, हर एक चीज का अपना आकार होता है, चाहे वो गोल हो ठीक है, मोटा छोटा लंबा गोल आयताकार वो अलग अलग, मोटा छोटा दो प्रकार में आएंगे, लंबा गोल क्या हुआ आकार में आएंगे। आपको पता है कि हर एक चीज का निश्चित आकार होता है ठीक है, और कई बार हम उसी से उसकी विशेषता से ही हम उसे पहचानते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो जब क्लास में टीचर आपके पास स्केल मांगते हैं तब बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन देने से पहले आप प्रश्न करते हो, मैडम स्केल की है, कोई बोलेगा प्लास्टिक की है, तो ये क्या हुआ, उसका आकार और प्रकार हुआ। मैडम छोटी स्केल है चलेगी, और कोई बोलता है लंबी स्केल है, तो ये क्या हुआ, उसका प्रकार और आकार हुआ। अब तीसरा है दशा और अवस्था, कमजोर स्वस्थ अमीर पतला घना, ये सारे क्या है, दशा या अवस्था का नाम है। जैसे अमीरी गरीबी ये सब क्या है, अवस्था है। उसके बाद हम देखेंगे स्वाद और गंध, कई चीजें ऐसी होती है जिसकी खुशबू होती है जिसका स्वाद अच्छा होता है, और कई चीजें बेस्वाद होती है, तो इसके द्वारा भी गुणवाचक विशेषण हम दर्शा सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, मीठी सुगंधित फीका सुवासित खट्टा, कुछ स्वाद है और कुछ गंध है। जैसे गुलाब, गुलाब सुगंधित फूल है, तो सुगंधित क्या हुआ, उसका गुण हुआ, और इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। आम खट्टा है या आम मीठा है, यहाँ पे खट्टा और मीठा ये दोनों स्वाद दर्शाते हैं, और इसे भी ये क्या हुआ, आम यानी कि संज्ञा की विशेषता गुण दर्शाते हैं। उसके बाद है स्थिति, बाहरी भीतरी गति से अगला पिछला स्थिति, हर एक चीज की स्थिति होती है, और कई बार हम वो चीज को दर्शाने के लिए
ये जो पुस्तक है वो संज्ञा है, लेकिन प्राचीन और नवीन जो शब्द है वो उसकी गुण उसकी विशेषता दर्शाते हैं, और इसीलिए इनको भी क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद है गुण, जो हमने देखा है अच्छा बुरा ईमानदार प्रामाणिक पवित्र अपवित्र योग्य अयोग्य, ये सारे क्या है, गुण है, और ये जो गुण है वो भी गुणवाचक विशेषण में आ सकते हैं। उसके बाद है दोष, बुरा पापी दुष्ट आलसी योग्य सॉरी अयोग्य, ये क्या है, गुण है, लेकिन कैसे है, खराब गुण है, उसके लिए हिंदी में वर्ड यूज होता है दोष, और ये भी क्या है, किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। और अन्य जैसे चिकना ठंडा गर्म मुलायम खुरदरा, ये सारे भी क्या है, कुछ विशेषता ही दर्शाते हैं, और ये गुणवाचक में ही आएंगे। इसीलिए ये जो हमने देखे रूप रंग आकार दशा स्वाद स्थिति देश काल, ये जो सारे शब्द है जो दर्शाने वाले शब्द है वो सारे शब्द किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। गुणवाचक विशेषण की पहचान हम यहाँ पे देखते हैं कि विशेषण के साथ कैसा कैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लंबा व्यक्ति खड़ा है या राम लंबा व्यक्ति है। जब हम लंबा, वो वर्ड क्या है, राम की विशेषता दर्शाता है, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। तो हम प्रश्न करेंगे राम कैसा है या कैसा व्यक्ति खड़ा है, कैसे के बदले जब हम आंसर देंगे तब कौन सा वर्ड यूज करेंगे, लंबा। तो जो सेंटेंस में कैसा या कैसे प्रश्न करने पर जो आंसर मिलेगा वो क्या दर्शाएगा, गुणवाचक विशेषण दर्शाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा है बाग में सुगंधित फूल खिले हैं। अब जब हमें प्रश्न करना है तब हम क्या करेंगे, बाग में कैसे फूल खिले हैं, जब हम उसका आंसर देंगे उसका उत्तर देंगे तब क्या आएगा, बाग में सुगंधित फूल खिले हैं। तो कैसा के बदले हम कौन सा वर्ड रख रहे हैं, सुगंधित। तो जो सुगंधित है वो क्या दर्शाता है, फूल की विशेषता दर्शाता है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। और तीसरा उदाहरण हम देखते हैं वस्त्र, खुरदरा वस्त्र, वस्त्र कैसा है, हम आंसर देंगे वस्त्र खुरदरा है। तो जो खुरदरा और कैसा, कैसे के बदले हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, खुरदरा, ये उसकी विशेषता वस्त्र के दिखा रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण में सबसे पहला प्रकार देखा गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण में हमने देखा कि जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण को दर्शाते हैं। अब गुण में हमने बहुत सारी चीजें देखी, रंग रूप आकार उसकी स्थिति उसकी दशा, वो सारे क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे और कैसे प्रश्न पूछने से हमें पता चलते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।